पिछले हमारे साथी कमेंटेटर लालू सरन को मैं जोड़ना चाहूंगा और ये आज का सेमीफाइनल का मैच है और इस मैच में दोनों ही टीमें धुरा टीम के कप्तान टीमें रामू मौजूद हैं, टीमें राजाराम मौजूद हैं, रेड डिफेंडर टीमें आमिर मौजूद है 11 नंबर की जैसे में। वहीं अगर बात की जाए ये है सुनील, इस टूर्नामेंट का सबसे तेज गोलरक्षक का रिकॉर्ड अपने नाम करता हुआ विशाल लेजेंड में रेड जोन के लिए एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में टीम में मौजूद है। वही जहां तक रॉयल ब्लू 11 रेड बॉर्डर में टीम नजर आ रही है, ये कुल्हाड़ी एफसी फुटबॉल टीम है। गोलकीपर में लक्ष्मण वहां मौजूद है, मेन डिफेंडर राहुल मौजूद है, राइट डिफेंडर विमल, लेफ्ट डिफेंडर सलखान। मिडफील्डर की अगर बात की जाए तो गुप्ता पांडे टीम में खेल चुका है 6 नंबर जैसे में, सूरज 2 नंबर जैसे में, विष्णु वास के जैसे नंबर 12 में, राम 4 नंबर जैसे नजर आएंगे। मिनट का टाइम दोनों टीम को ज्यादा से ज्यादा मिल चुका है। नए जोश, नए तरंग और नए उमंग के साथ खेलना पसंद कर चाहेंगे तो चलिए फिर से मैं वेलकम करना चाहूंगा लालो आपका इस कमेंट का बॉक्स में इस मैच के लिए। बांका तीन हजार खेल बजलिया 9-10 सेमीफाइनल खेल बजलिया एलेक्स स्पोर्टिंग का साथ कुल्हाड़ी एफसी बनार गड़ी नपाई टीम का नकिन और अडिक नपाई टीम का नकिन बनार चाहे कुल्हाड़ी एफसी का थोपो लिया और बाद में एलेक्स स्पोर्टिंग। जहां तक बात करें एलेक्स स्पोर्टिंग जो भी दशक अभी बिहार है ये बीते कल की ये फाइनलिस्ट है, सेमीफाइनल टीम है, सेमीफाइनलिस्ट टीम है जो कि सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया दोनों टीम। जहां तक बात करें एलेक्स स्पोर्टिंग हमारी सभी के सभी स्टार क्रिकेट टीम में जुड़ चुके हैं, कुछ कुछ के हमारे एरिया कांड्रा एरिया के खिलाड़ी टीम में जुड़ चुके हैं। जहां तक बात करें आज साथ ही साथ कुछ कुछ खिलाड़ी एडवेंचर क्लब रियाडा जैसे क्लब से बिलोंग करते हैं, इस तरह के खिलाड़ी टीम में जुड़ चुके हैं। जहां तक बात करें एलेक्स स्पोर्टिंग रवि हादर टीम में चमचमाता गोलकीपर टीम में नजर आ रहे हैं, बाबूराम सोरेन टीम के सेंटर बैक स्टेपर मैन डिफेंस के रूप में नजर आ रहे, लखन मुर्मू जैसे नंबर 12 पर। अगर बात की जाए परिचय का मोहताज नहीं है, आज के तारीख में एमएमसी शंकरपुर सभी जानते हैं लक्ष्य टूर्नामेंट में एमएमसी शंकरपुर के सभी स्टार खिलाड़ी टीम में जुड़ चुके हैं हमारे इस एलेक्स स्पोर्टिंग की टीम में। चलिए मैं तारीख करना चाहूँ टीम को फाइनेंस के हैं टीम के टीम मैनेजर लक्ष्मण टोडू, मैं तारीख करना चाहूँगा लक्ष्मण टोडू को कमाल का खिलाड़ी को लेकर आया है इस टूर्नामेंट में। हर साल इस टूर्नामेंट में टीम को पार्टिसिपेट कराते हैं, गत साल भी उन्होंने पार्टिसिपेट कराया था, काफी अच्छा खेल को खेला था लेकिन पुरस्कार का हाथ नहीं लग पाया अलग बात है, लेकिन यूनाइटेड एफसी के नाम से टीम को पार्टिसिपेट कराते हैं लक्ष्मण टोडू। और आज इस 2024 का सीजन में एक नई नई डबल पोशाक पर ये टीम है कुल्हाड़ी फुटबॉल क्लब की टीम है। टीम को फाइनेंस के सनातन दास के टीम के टीम फाइनेंसर भी है, टीम मैनेजर भी है, टीम के कोच भी है, अच्छा कोच अच्छा फाइनेंसर के लिए जाना जाता है। लेकिन देख रहा होगा यहाँ पर बेहतरीन मौका, खूबसूरत मौका था यहाँ पर कुल्हाड़ी फुटबॉल क्लब की टीम के लिए। गेंद पुलिस बाउंसिंग हो चुकी थी, सामने खिलाड़ी मौजूद था। जहां तक बात करें सलखन वाड़ी बहुत ही कमाल का खिलाड़ी है लेकिन सलखन वाड़ी बिल्कुल मैदान बिल्कुल गोल एरिया के और एम्पल जोन पर मौजूद था, एम्पल जोन पर मौजूद था सलखन, लेकिन सलखन ने सलखन वाड़ी और नतीजा कुल्हाड़ी फुटबॉल क्लब टीम का एक अच्छा खासा मौका फिलहाल उनके हाथ से निकल चुकी है। जहां तक बात करें महेश सर बहुत ही कमाल का खिलाड़ी टीम में जुड़ चुका है महेश सर। चलिए गेंद के साथ विष्णु बास्के एक बहुत ही क्लासिकल खिलाड़ी भी माना जाता है, विष्णु बास्के को बहुत ही कम समय फुटबॉल की दुनिया में कदम कर रखा था लेकिन यहां से मौका मिलेगा विष्णु को, अभी भी मौका बन सकता है। बार बार एटीकी का प्रयास किया जा रहा है यहां पर, फिर से एक बार मौके के ऊपर सूरज के कब्जे में गेंद, क्या यहां पर सूरज गेंद को छीनने में सफल होंगे, उतना आसानी से हार मानने वाले है नहीं अब मार्शल हांसदा एक युवा खिलाड़ी। मैं तारीफ करना चाहूंगा मार्शल का, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी की अगर बात की जाए फिलहाल इस मैच में मार्शल हांसदा जैसे बेहतरीन खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। यहां पर थोड़ा सा डिले किया विष्णु बास्के, बहुत ही क्लासिकल खिलाड़ी के रूप में माना जाता है विष्णु बास्के को, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम पड़ जाएगी विष्णु का। चले गुमदी बाकी गेंद छीनने में सफल, गेंद सीधे महेश्वर सरदार के पास, महेश्वर सरदार की अगर बात की जाए रफ्तार की कमी नहीं इनके पास, एक अच्छे ड्रिबलर भी है एक अच्छे फिनिशर भी है महेश्वर सरदार, बहुत ही कमाल का खिलाड़ी माना जाता है महेश्वर सरदार को। और यहां से मौका बनेगी अभी भी खतरा हो सकती है यहां पर,
क्या यहां पर सूरज के लिए मौका बन सकता है? सूरज से गेंद छीनने में सफल गुंडी, गुंडी के पास गेंद, छोटी सी क्रॉस, लाजवाब, क्या कमाल का इंटरसेप्शन। मैं तारीफ करना चाहूंगा जाएगी अमर किसको, लाजवाब गेंद को पूरी तरह से चेस्ट डाउन किया, गेंद को ब्लॉक किया और गेंद को सीधे रवि हाथा के लिए गेंद को बनाया और रवि हाथा ने बड़ी आराम से गेंद को अपने ग्रिप में लेता हुआ। तो ये होती है कम्युनिकेशन। जब भी आप देखेंगे डिफेंडर और कीपर के बीच में तालमेल की अगर कमी नजर आएगी तो आपका टीम पूरी तरह और कभी भी आप पर आक्रामक हो सकती है अगर आपके पास गोल कीपर और डिफेंडर में अगर तालमेल की कमी अगर नजर आएगी। तो यहाँ आपने एक अच्छा खासा चीज को देखा, एलेक्स स्पॉटिंग में रवि और अमर, रवि और अमर का तालमेल, कमाल का तालमेल हमें देखने को मिला। अगर ये कम्युनिकेशन नहीं होता तो दिक्कत बन सकता था, कलोडी फुटबॉल क्लब की टीम को एक लीड मिल सकता था। कमाल का रवि हाजदा जी गोलकीपर एंड सेंटर में स्टेप है मिस्टर अमर किस्कु, जैसे नंबर 11। ऑल फैंटास्टिक ऑडियंस, नाउ प्लेइंग मैच, मल्टी प्लेयर्स, द टीम नेम ऑफ एलेक्स स्पॉटिंग एंड अपोनेंट टीम कलोडी फुटबॉल क्लब। चलिए देखना होगा, चलिए अमर मेडिकल स्टाफ ध्यान देंगे। आज एलेक्स स्पोर्टिंग के टीम से क्या दबदबा बना कर रखा है, लेकिन बाकी बचे समय में क्या कुछ होगा इस खेल का तस्वीर और तकदीर फिलहाल ही तो वक्त बताएगा। चलिए जहां तक बात करेंगे खेल में थोड़ा सा समय की अगर आज से जो मैदान है, मैदान थोड़ा सा हार्ड जरूर है और इस हार्ड मैदान में थोड़ा सा खिलाड़ी को थोड़ा खुल के खेलने का थोड़ा मौका मन मिल तो रहा है, लेकिन उतनी बेहतरीन तरीके से खुल के नहीं खेल पा रहा क्योंकि घास गई है और बूट में पूरी तरह से ग्रिप नहीं कर पा रही, स्किड कर जा रही है, इसलिए रोलिंग मूवमेंट में किसी प्रकार का गेंद को किक लगाने में विफल। यहां पे अच्छी क्रॉस और उतनी जबरदस्त हेडर राजा राम हांसदा का, मैं तारीफ करना चाहूंगा राजा राम हांसदा। मैं पहले कह चुका राजा राम भाई, बॉडी का मूवमेंट, बॉडी का रोल बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ही कम समय में बॉडी का रोटेट या बॉडी का मूवमेंट को कर लेते हैं इस तरह के हल्के शरीर वाले खिलाड़ी। और राजा राम को मैं तारीफ करना चाहूंगा कि अपना बॉडी क्यों ना, जब भी आप घर को बनाएंगे इसलिए कहा जाता है कि घर का दीवार कैसा भी क्यों ना हो लेकिन घर का दरवाजा मजबूत होना यह बहुत जरूरी होती है। कारण यह है कि जो भी घर में डाका करने आते, चोरी करने आते हैं तो घर का दीवार को कभी नहीं तोड़ा जाता है, घर का दरवाजा को तोड़ा जाता है। इसलिए घर का दरवाजा आपका मजबूत रहेगा तो आपको ज्यादा चिंता करने कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जगह गेंद, यहाँ से भी मौका बन सकती है। राम, चलिए राम महेश्वर के साथ तालमेल बनाने का कोशिश किया था लेकिन बहुत ही जल्दबाजी में गेंद को बांटा गया और महेश्वर को किसी प्रकार का इस गेंद के साथ सामना करने का मौका नहीं मिला। तो जो तो बोला दोस्तों आज से चिनाज के एजी जहरगढ़ सेवा समिति मजगांव, अनेक दिन थे अपन अपेक्षा करी चलें कि कभी आसबे जहरगढ़ सेवा समिति एक सुंदर फुटबॉल खेल खेल एवं तार संगे सुंदर कल्चर प्रोग्राम। आज अपनारा सबा खेला बा आज के कल्चर प्रोग्राम आज के आनंद लेबें, आज के सेकेंड डे क्लोजिंग डे ग्रैंड फिनाले डे एनुअल डे आज के अंतिम दिन, आज से खुद अपनारा एंजॉय करबें, ग्रैंड मस्ती करबें आज के टूर्नामेंटे बा आज के प्रोग्रामे। আবার সুযোগ কিন্তু এখানে টিম অনেক মনে করে মিস্টেক করেছেন, মাঠে যাবেন আর নাহলে যাবার চেষ্টা করবেন না, ম্যাচ রেফারি ইন্ডিকেট দেখবেন, ম্যাচ রেফারি কি ইন্ডিকেট করছে। একটি সুন্দর সুযোগ, গোল্ডেন অপরচুনিটি কুলুডি ফুটবল ক্লাব টিমের জন্য, একটি সুন্দর সেট পিস তৈরি করেছেন, আবার সুন্দর এরিয়াল শট কিক, কিন্তু সুন্দর বাঁচিয়েছেন এখানে দ্য টিম নেম অফ অ্যালেক্স স্পটিং। তুফানের মতন খেল, সবাই জানেন তুফান যখন আসে বছর এক আধবার আসে, যখন আসে তখন প্রলয় ঘটে আর যখন যায় তখন ভগবানের তার অস্তিত্ব খোঁজে বেড়ায়, তার নাম হচ্ছে তুফান। আবার সুযোগ, এখানে সুযোগটাকে তৈরি করার চেষ্টা করছেন, দেখা যায় এখানে সুরজ, এখানে ইনডাইরেক্ট ফ্রি কিক এর সিগন্যাল দিয়েছেন এখানে ম্যাচ রেফারি গোপাল, একটি সুন্দর ডিসিশন। আজকে যতগুলো আমাদের ম্যাচ রেফারি বা রেফারি প্যানেলে যতগুলো রেফারি আছেন সমস্ত অনুভব ম্যাচ রেফারি, আমি তারিফ করতে চাই আমাদের এই মেজবান বা আমাদের তারিফ করি এই যে ক্লাব
जहरगढ़ सेवा समिति मजगांव समस्त कमेटी परिवार के क्या आज के सुंदर सुंदर आज के मैच प्री आज के हमारे टूर्नामेंट नॉमिनेट कर। तो चलिए दोस्तों आज फिर सब सभी दर्शकों का मैं स्वागत करना चाहूंगा इस मैच में, सभी का मैं स्वागत करना चाहूंगा। चलिए मैं हूँ लालू सोरेन जो कि इस क्लब से मुझे जुड़ने का मौका मिला, उसे 3 वर्ष तक हम इस क्लब से जुड़े हुए, काफी अच्छा लगता है इस क्लब के लिए। मेरी पहचान की अगर बात की जाए मैं लालू सोरेन जो कि चांदिल चौका एरिया से बिलोंग करता हूँ और हर छोटे बड़े टूर्नामेंट झारखंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल हर बड़े बड़े टूर्नामेंट में बतौर कमेंटेटर और इस तरह का हमारे मधुर वाणी से सभी दर्शकों का दिल जीतने का हमारा यही प्रयास रहता है। लेकिन आज मैं कभी गर्व महसूस कर रहा हूँ, कभी प्राउड फील कर रहा हूँ कि आज जहरगढ़ सेवा समिति मजगांव ने आज मुझे बतौर कमेंटेटर आमंत्रित किया और आज मैं आप सबों के साथ मुखातिब होने का मुझे एक सौभाग्य मिला। ये काफी गर्व की बात है, काफी खुशी गर्व की बात है जो कि एक दूसरे के साथ हम सभी मुखातिब हो पा रहे हैं, एक दूसरे के साथ हम चर्चा परिचर्चा वार्तालाप कम कर पा रहे हैं। चलिए मैच पर हम चले आएंगे। महेश सरदार जहां रहेंगे मैच का सरदार होना था, यह बहुत ही बेहतरीन कट बैक और यहां से मौका बनेगी गेंद को एम्पल एरिया पर, गेंद सीधे एम्पल एरिया में प्रवेश किया था लेकिन अभी भी मौका बन सकता था लेकिन खूबसूरत मौका लेकिन मौका को नकार दिया। अभी भी खतरा हो सकता है लेकिन गेंद एम्पल एरिया पर, बांग्ला बोले कि भाई जहार गोरे बिहार तार मन ना आ तार पड़ोसर घूम ना ले आबार की कर भी को ठीक ही बोले छे बांग्ला की सूखे खाते भूते किलाए एकदम सोजो कथा ठीक कथा बोले छे जे कथाटा जे हमारे बूढ़ा बुजुर्ग ने बोली छे किंतु आबार सुजोगे खाने महेश सरदार बंदूक की गोली में जिस तरह से 47 का बंदूक से गोली की बौछार निकलती है ठीक उसी अंदाज में महेश सरदार का की पावर भरपूर इस्तेमाल करते मैं खाते हैं महेश सरदार, यह हमें जानने की जरूरत है। अन्यथा रोजाना प्रतिदिन खेलने वाले खिलाड़ी का रफ्तार धीरे धीरे कम होते जाती है लेकिन इनका कम होने का नाम नहीं ले रही बल्कि बढ़ते जा रही है। यह है विष्णु भास्कर, बहुत ही कमाल का खिलाड़ी, इस वक्त थोड़ा सा हड़बड़ी की को लिया गया जहां टीम कलुडी एफ सी आदि के नपाय नपाय कंप्लीट टीम तेकिन गुण का आज हाथ रहे निजले में सेटल करना आज हाँ जे कोहड़ा बहा लेका जहाँ टीम बन जेलेत को कोहड़ा बहा राउंड लेका और उनका नुकुद गुण का एलेक्स स्वाडिंग आदि के नेपाल स्टार की टीम जोड़ा बना कर जस्ते को जस्ते कमरे रहने के लिए टीम को जोड़ा बना कर को चाहे से ऐसी क्लब रियाड़ा शंकरपुर उनका नेपाल नितुमान क्लब को अडिगा नेपाल नेपाल ऐसे का काचा उनका टिकला ब्रिंग टीम तेहना नवा एलएच स्पोर्टिंग रे जोड़ा बिना करता जो टीम यहां से क्वालिफाई करेगी सीधे फाइनल के लिए अपना टिकट ले लेगी और फाइनल में दबदबा बनाएगी और फाइनल में सीधे ग्रैंड मस्ती करने का उनको मौका मिलेगा। चलिए गेंद के साथ सुरू यहां पर साथी खिलाड़ी सुनील का इस्तेमाल किया। चलिए कोई खतरा नहीं लक्ष्मण को, कोई गिला सिखवा नहीं कोई किंतु परंतु नहीं हल्की से टेस्ट किया गया लक्ष्मण माड़ी को। चलिए विष्णु बास्के गलत जगह गेंद लखन मुर्मू राजा राम लंबे कटकड़ी खिलाड़ी सर में काफी ज्यादा बाल अलग तरीके से हेयर स्टाइल को मेंटेन किया है, मैं तारीफ करना चाहूंगा। गेंद के साथ अमर ने लखन का इस्तेमाल किया, लखन एक कदम पीछे रहने के बाद सीधे राजाराम का इस्तेमाल किया, बहुत ही गतिमूलक खिलाड़ी माना जाता है राजाराम को। राजाराम एक हरफन मूलक खिलाड़ी है, आप डिफेंस लाइन पर रख दीजिए या लेफ्ट डिफेंस जोन में रख दीजिए या फिर विंगर जोन में रख दीजिए। चलिए आज का बहुत सारे प्रोग्राम है जहां तुम्हें गए तय जानवा प्रोग्राम करे सलत रहे यदि इच्छा तुम बिना तुम्हें कहना डिवस आपने पर जितुम बॉल चाहिए माँ चिकते अब तो बने बना उन्हें चिकते में ना जितने समय आलोप ना तो माँ चिकते नमँ का नितो हो बकना हिट करते दापे आपे आ जितुम पलो चाहिए माँ आज यहाँ को जितने बाउंड बड़ा दारे जितने बड़ा लगे ते रूल नियम और उन्हें बाबत तो बड़ा लगे ते आपे भेजो आ और हिट करते
मैं क्लब मेंबर्स से जपावा और उनको होते थे जानकारी पहुंचावा। चलिए सर दो नहीं तीन नहीं चार चार खिलाड़ी को गठबंधन किया और उससे पहले कुछ कहें